झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यहां बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सुरेन आज कोलकाता से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक चंपई सुरेन और बीजेपी की बातचीत चल रही है। चंपई के संपर्क में जेजेएम के समीर मोहंती, लोबिन हेम्ब्रम और रामदास सुरेन, ये तीनों विधायक हैं जिनके साथ चंपई सुरेन बीजेपी में जा सकते हैं। चंपई सुरेन ने शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा था कि वह जहां थे वहीं पर हैं। उन्होंने इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया था, लेकिन रविवार सुबह वह दिल्ली पहुंचने वाले हैं। चंपई ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था, हम जहां हैं वहीं पर हैं, बाद में सबको बताएंगे। क्या खबर फैल रहा है हमको नहीं पता है, किस जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है हमको नहीं पता। उधर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चंपई सुरेन से मुलाकात की थी, क्या इस मुलाकात में बीजेपी में शामिल होने पर बात हुई? चंपई ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि लोबिन से वही बात हुई जो सामान्य तौर पर होती है, बीजेपी को लेकर कोई बात नहीं हुई। बता दें कि 31 जनवरी को जब हेमंत सुरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और कमान चंपई सुरेन को सौंपी गई थी, लेकिन जून में जब हेमंत वापस जमानत पर बाहर आए तो फिर सत्ता की कमान हेमंत ने अपने हाथ में ले ली। माना जा रहा है कि चंपई सुरेन इस फैसले से खुश नहीं हैं। उसके बाद से ही उनके जेएमएम का साथ छोड़ने की अटकलें चल रही हैं। जेएमएम के नेताओं के संपर्क होने की बात पर असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने कहा था कि बीजेपी से किसी नेता ने संपर्क नहीं किया है और चंपई सुरेन वरिष्ठ राजनेता हैं, उनके बारे में कोई बयान नहीं देना चाहता। क्या कर रहे हैं आप? वन मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है, सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें।